पांच दिन पहले 25 सवाल और आज एक बार फिर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ। जरा बताइए कि पूछताछ के अलावा सड़कों पर क्या कुछ चल रहा है आज जब ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। शुभांकर बहुत टाइम You can see as to how the MPs of the Congress party are trying to reason out with the Delhi police. जा रहे थे राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए और सांसदों को रोका गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए विजय चौक पे हम लोग खड़े हुए हैं और विजय चौक पे कुछ इस तरह से एक दो तीन बसें हैं विजय चौक पे और इसमें सांसदों को भरा गया है। आप लोग को कहा ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ये सीधे सीधे पुलिस राज है, इस देश को पुलिस राज की तरफ ढकेल रही है मोदी सरकार, जो शर्मनाक है। ये आप लोग यहाँ पे क्यों विरोध कर रहे थे और सड़क पे क्यों? हम चाहते हैं कि सदन में महंगाई पर बात हो, जीएसटी पे बात हो, एजेंसियों के दुरुपयोग पे बात हो, हमारे सांसदों के सस्पेंशन पे बात हो, लेकिन हमें यहाँ से उठा करके न जाने कहाँ ले जाया जा रहा है। वेणुगोपाल द पोलिस राज, गुंडा राज इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। दे आर नॉट इवन अलोविंग फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वी आर नॉट इवन अलाउड टू डिस्कस इन पार्लियामेंट प्राइस राइज, नॉट अलाउविंग टू डिस्कशन ऑफ वेंडेटा पॉलिटिक्स ऑफ एजेंसीज। देन वी आर गोइंग टू गिवन ए मेमोरेंडम टू द राष्ट्रपति भवन, दे आर नॉट इवन अलाउविंग दैट आल्सो। मेमोरेंडम देने जा रहे थे शुभांकर, आपको बताया मैंने, देखिए दो बसें उधर रामिया, देखिए रामिया हरिदास और प्रथापन किस तरह से सर निकाले खड़े हैं बस के बाहर। यहाँ पे तमाम सांसद इसके इर्द गिर्द दोनों तरफ सांसद आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पे फूलो देवी नेता, फूलो जी कहाँ ले जा रहे हैं नहीं पता, कहाँ ले जा रहे हैं? मोदी जी का गुंडा राज, गुंडा पुलिस, कहाँ ले जा रहे हैं नहीं पता किसी को, कहाँ लेके जा रहे हैं? आप लोग जो है कहा जा रहा है कि कानून तोड़िए या विजय चौक पे धरना, धारा 144 अपने अधिकार के मांगों के लिए कोई कानून नहीं तोड़ा है। हम तो अपना सदन में चर्चा कराने के लिए मांग रख रहे हैं, हमारी बात को अनसुनी की जा रही है और दादागिरी और तानाशाही के साथ बर्ताव किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे पूरा आमने सामने है पुलिस, तमाम पुलिस कर्मियों को भरा गया है पुलिस कर्मियों का। अखिलेश जी क्या हुआ? अरे ये तो एकदम जैसे लगता है पुलिस स्टेट हो गया है। हम लोग पीसफुल प्रोसेशन में ले जा रहे थे अपना ज्ञापन देने राष्ट्रपति जी को और वहाँ जाने से रोका गया। हम लोग सड़क पर बैठे, फिर जबरदस्ती पुलिस हम लोगों को पता नहीं कहाँ ले जा रही है, ये भी नहीं मालूम है, ये लोग बता भी नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे कह रहे हंगामा खड़ा करने की। हम लोग क्या हंगामा खड़ा किए, प्राइस राइज पर डिस्कशन चाहते थे, हाउस में भी वही बात हम लोग बाहर भी कर रहे थे। देखिए पूरी एक टोली सांसदों से भर के दो बसें शुभांकर निकल चुकी हैं। वहाँ पे जो मजमा है वहाँ राहुल गांधी बैठे हुए हैं और वो भी तमाम सांसदों के साथ ईडी दफ्तर से निकल के कुछ विरोध कर रहे थे। एक और बस निकली है, पूछते हैं सुरेश के, सुरेश बैठे हैं। और ये देखिए ये भी बस जयराम रमेश पीछे नजर आ रहे थे, कोशिश करते हैं जयराम रमेश से बात करने। Where are you going? We don't know. This police arrested all MPs. यहाँ पे तीसरी बस भी निकल गई, अब आखिरी बस बची है और आखिरी बस कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शायद राहुल गांधी को लेके जाएगी, पर राहुल गांधी शायद टस से मस नहीं हो रहे। आइए बस देखते हैं, विजय चौक की ये तस्वीर है, आप देखिए सियासी अखाड़े में तब्दील। हाँ, जिस तरह से कांग्रेस सांसदों ने मार्च किया उसके बाद राहुल गांधी यहीं बैठ गए। पवन बस पे दिखाइए, और यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा को भरा गया है बस में। बस में दीपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं, कुछ सांसद ही रह गए हैं क्योंकि तीन सांसदों से भरी बस। तो क्या करें, हम संसद के अंदर आवाज उठाना चाहते थे महंगाई की, अग्निपथ की, सरकारी एजेंसीज की दुरुपयोग, संसद के अंदर हमें इजाजत नहीं मिली। हम धरना देना चाहते थे राजघाट पे, उसकी इजाजत नहीं मिली। हम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देना चाहते थे, उसकी भी अनुमति नहीं मिली।
अब क्या सांस लेने की अनुमति भी नहीं मिलेगी हमें? कहां ले जा रहे हैं आपको? यहाँ पे जवाब उनके पास भी नहीं है। आइए शुभांकर, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ अभी राहुल गांधी मौजूद है और क्या हो रहा है। देखना है जहाँ ले जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन यही जो कालाशाही की बोल रहे कहते हैं यहाँ से आप लोग क्यों नहीं हिरासत दे देते हैं? क्यों आप लोग हम हैं आप लोग यहाँ? हम सिर्फ जाने के लिए कह रहे हैं। अड़े कहाँ है, इतना लोकतांत्रिक कभी देखा? हर से सद्भावना पूर्वक बात कर रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पे मौजूद है और राहुल गांधी को के साथ समेत ही उठाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी बगल में हैं और ये सांसदों को गौरव गोगोई से लेके उठाने की कोशिश हो रही है। ये आखिरी मोर्चा बचा है सांसदों का कांग्रेस के। अरे किसान विरोधी मोदी सरकार। गौरव, तीन सांसदों को भर के ले गए, कहाँ ले गए? तो यहाँ पे आप देखिए लगातार राहुल गांधी यहाँ खड़े हुए हैं और कांग्रेस के तमाम सांसद कुछ इस तरह से शुभांकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। नहीं तो मौसमी जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि जो पिछली सुनवाई हुई थी। जी जी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल मौसमी, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। और अगर आप नेताओं से थोड़ा इतर होकर हमारे सवाल का जवाब दे सके तो जरा समझाइए कि पिछली सुनवाई से इस सुनवाई में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस सत्याग्रह की बात कर रही है, ज्ञापन देने की बात कर रही है, ऐसा लग रहा है इस बार स्ट्रेटजी बदल दी गई है पिछली बार के मुकाबले। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से टॉप गियर में काफी आक्रामक कांग्रेस पिछली बार नजर आई थी सड़कों पर और खूब धरना दिया गया था, सोनिया गांधी का काफिला बदला गया था, उससे इतर इस बारी संसद से लेके कांग्रेस दफ्तर तक द्विकोना एक तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है। और यहाँ पे राहुल गांधी की तस्वीरें आप विजय चौक पर देख रहे हैं, तो आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे पार्लियामेंट महज 10 कदम की दूरी पर है, ये है पार्लियामेंट सद, तरफ पूरा सत्ता के गलिया, देश के टॉप चार मंत्री प्रधानमंत्री यही बैठते हैं, दाई तरफ विजय चौक है जहाँ से रिपब्लिक डे की परेड भी गुजरती है और ये वो विजय चौक है जिसने कई सरकारें देखी, सियासत के कई अखाड़े देखे, तो ऐसे में कांग्रेस को लगा कहीं ना कहीं ये देखिए उठा के सांसदों को जो ले जाया जा रहा है, इसमें राहुल गांधी भी है, राहुल गांधी को किनारे ले जाया गया है, अभी राहुल गांधी यहाँ से हिलने को तैयार नहीं हो रहे हैं और